नमस्कार सर्वे साथी मित्रों अपनी यूट्यूब चैनल में फरी एक वक्त दिल थी स्वागत छे। अत्यारना ताजा ने सौथी मोटा शैक्षणिक समाचार स्कूल ने बाळकों में प्रवेश्यो कोरोना विद्यार्थीओ ने फरी बंधनु ऐलान सीएम मंत्री ने राज्यपाल थया कोरोना पॉजिटिव जेवा समाचार जाणता पहला तमे जो चैनल में नवा हो तो खास मित्रों अपनी चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो कारण के रोजना ताजा अने महत्वना समाचार सौथी पहला अमे तमारा सुधी पहोंचाड़ता रहेशुं। वीडियो गमे तो लाइक करजो अने वधु ने वधु तमारा मित्रों ने मोकली आपजो। सौथी पहला भारत कोरोना अपडेट पर एक नजर करिए तो छेल्ला 24 कलाक में 12,249 नवा केस नोंधाया तेनी साथे सक्रिय केसों की संख्या वधीने 81,687 थी गई है। आ समयगाळा दरमियान कोरोना ने कारणे 13 लोकोना मौत पण थया छे। स्वास्थ्य मंत्रालयना जणाव्या अनुसार छेल्ला 24 कलाकमां देशमां सक्रिय केसों की संख्या में 2374 वधारो थयो छे। देश में कोरोना केस में वधारो थता धीरे धीरे नेताओं पण संक्रमित थई रह्या छे। महाराष्ट्रना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित थया छे। कोरोनाना लक्षणों देखाता तेने हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या छे। जणावी दईए के महाराष्ट्र में राजकीय संकट यथावत छे। महाराष्ट्रना राज्यपाल बाद सीएम उद्धव ठाकरे पण थया कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र पर राजकीय संकट वधी रह्यु छे त्यारे कांग्रेसना निरीक्षक कमलनाथे बैठक बाद कह्यु छे के कांग्रेस एक्झिक्यूट छे। उद्धव ठाकरे मळवाना प्रश्न पर तेमणे दावो कर्यो छे के तेओ कोरोना पॉजिटिव छे तेथी तेओ तेमणे मळशे नहीं। महाराष्ट्रना राज्यपाल अने सीएम बाद गुजरातना आरोग्य मंत्री पण कोरोना पॉजिटिव। छेल्ला केटलाक दिवसोथी कोरोना पॉजिटिव केसों में उछाळो आवी रह्यो छे तेवा संजोगो वच्चे आजे गुजरातना आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल पण कोरोनाग्रस्त थया होवाना समाचार आव्या छे। कोरोनाना सामान्य लक्षणो जणाता तेमणे टेस्ट करावियो जे पॉजिटिव आव्यो छे जे पगले ऋषिकेश पटेल होम आइसोलेट थया छे। ત્યારબાદ સૌરાષ્ટ્રમાં ફરીવાર કોરોનાનો કેસો ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે। 7 વર્ષના બાળક સહિત 16 લોકો કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા છે। એક તરફ આવતીકાલથી સ્કૂલોમાં શાળા પ્રવેશોની ઉજવણી શરૂ થશે તો બીજી તરફ રાજ્યમાં કોરોનાનું સંકટ વધી રહ્યું છે। રાજકોટમાં અમેરિકાથી પરત ફરેલા 3 લોકો કોરોના પોઝિટિવ થયા છે તો ખંડેરી સ્ટેડિયમમાં મેચ જોઈને આવેલા જામનગરના તબીબ પણ કોરોના સંક્રમિત છે। ફરી એકવાર બંધનું એલાન વિદ્યાર્થી સંગઠને સોમવારે ભારત બંધનું એલાન કર્યું હતું જેને રાજકીય પક્ષોએ સમર્થન આપ્યું હતું તેની અસર ઘણા રાજ્યોમાં જોવા મળી હતી ત્યારે યુનાઇટેડ કિસાન મોરચાએ દેશવ્યાપી બંધનું એલાન આપ્યું છે। હરિયાણાના કરનાલમાં નેતા રાકેશ ટિકેટે કહ્યું છે કે 24મી જૂને દેશભરના જિલ્લા કાર્યાલયોમાં અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ કરવામાં આવશે।